मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ बहावा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। बहुत दिन के बाद एकदम फ्रेश वीडियो लेके मैं आपके साथ अभी मिल रही हूँ। अभी बराबर 1 महीने के बाद रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आप सबके लिए मोती की राखी एकदम आसान और इजी तरीके के साथ, हमेशा की तरह है जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे बनाते हैं, इसका फ्रेश वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये जो राखी है आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और राखी के और भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव और इनोवेटिव वीडियोस के साथ इसके आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि मोती की राखी बहुत आसान और सिंपल तरीके के साथ कैसे बनाई जाती है। इस रक्षाबंधन में हम एकदम सिंपल और इजी तरीके के साथ ये राखी जो है मोती की ये बनाएंगे। इसके पहले भी मैंने अलग-अलग मोती राखी के और अलग-अलग राखी के वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगी। ये राखी के डिज़ाइन के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पर हम 3 टायर ऊल जो आता है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन जो है उसमें धागा जो है वो कॉटन का अलग आता है, तो वो हम यूज़ नहीं करते। इसमें ये जो सॉफ्टनेस है बहुत अच्छा आता है, तो 3 टायर वाला जो ऊलन है वो आप यूज़ कीजिएगा। इसमें 20 इंच लॉन्ग ऐसे 2 धागे हमने यहाँ पे कट करके लिए हैं। ये एवरेज साइज़ है, एक स्टैंडर्ड साइज़ है राखी के लिए। वैसे ही 6 mm साइज़ के जो पर्ल है वो हम इस राखी के लिए यूज़ करेंगे। 5 mm गोल्डन बीड्स यूज़ करेंगे, और जो राखी है वो 26 गेज के गोल्डन वायर हम इस राखी को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सब मटेरियल हमें लगेगा। ये राखी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 26 गेज की वायर जो है उसमें से करीब करीब 1 फीट का एक पीस कट करके लिया है। वैसे ही कुछ पर्ल्स हमने 6 mm के लूज़ करके लिए, गोल्डन बीड्स लूज़ किए हैं। अभी इसे हमें दो एंड ऐसे मैच करके इसका अप्रोक्सीमेट ऐसे मिडल निकालना है। मिडल निकालने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल के यहाँ पे ऐसे हम टूल में पकड़ेंगे, और ये जो सेकंड फिंगर है वो 2 वायर के बीच में पकड़ के ये हमें इस प्रकार ऐसे ट्विस्ट करते हुए जाना है। 3 से 4 ट्विस्ट हमें ऐसे लगाने हैं, और फिर दोनों वायर एक साथ ऐसे पकड़ के इसमें हमें एक गोल्डन बीट डालना है। ज़्यादा ट्विस्ट नहीं लगाने, ताकि ज़्यादा लगेंगे तो ये 5 mm के बीड के बाहर से ऐसे दिखाई देंगे। अभी दोनों तरफ हमें दो दो पर्ल डालने हैं, एक वायर में 2 और दूसरे वायर में 2। हमने 2 पर्ल डाल लिए। यहाँ पे स्क्वायर अच्छे से बीड का दिखना चाहिए, और ये होने के बाद ये वायर जो है एक दूसरे के ऊपर हमने क्रॉस किए है। जो वायर हमने क्रॉस किए वो 2 फिंगर में ऐसे इस प्रकार पकड़ना है, और फिर ये पूरा यूनिट जो है पर्ल का उसे भी हमें 3 से 4 बार ऐसे ट्विस्ट करना है। और फिर वही करेंगे हम, यहाँ पे एक गोल्डन बीड डालेंगे दोनों वायर में मिला के एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्पिन पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अभी फिर से दोनों में दो दो पर्ल हमें डालने हैं 6 mm साइज के। फिर से वही करना है हमें, यहाँ पे ये अच्छे से एडजस्ट करना है, और फिर क्रॉस में पकड़ के इस प्रकार क्रॉस में पकड़ के 2 उंगलियों में पकड़ के पूरा ये जो यूनिट है उसको हम 3 से 4 बार ट्विस्ट करेंगे, और फिर दोनों में मिला के एक गोल्डन बीड डालेंगे। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि स्पिन पोर्शन जो है गोल्डन बीड के साथ हाइड हुआ। अभी हमें दूसरे तरफ का ये जो लूप है वो करना है, जिसमें हम राखी का धागा जो है वो टाई करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे
ऐसे टूल पकड़ना है एकदम इरेक्ट पोजीशन में, और फिर ये वायर जो है ऐसे टूल के ऊपर से लेके फिर हमें यहाँ पर इस सेकंड वाली जो वायर है उसके ऊपर भी 2 से 3 बार ऐसे टाइटली रैप करना है। तो ये क्या होगा, ये अंदर से वायर आएगा और जो दूसरा वायर जो हमने लिया था उससे हमने लूप किए। अभी यहाँ पे जितना नज़दीक हो सकता है उतना नज़दीक हम दोनों वायर जो है ट्रिम करेंगे, क्योंकि ये वायर वाले जो एंड्स है वो रिस्ट में डालने के बाद लगने नहीं चाहिए, तो ये केयर आपको लेना है। दोनों तरफ से दबा देंगे हम, तो एक्चुअल पर्ल वाला जो पोर्शन है वो रेडी हुआ। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इसमें धागे हम कैसे अटैच करेंगे। अभी हमने यहाँ पे जो 20 इंच के 2 पीस उलन के लिए है वो हमें लेके बीच में ऐसे फोल्ड करने हैं। फोल्ड पोर्शन में 26 गेज का ही वायर लेंगे और मिडल में ऐसे डालेंगे, थोड़ा सा स्पिन करेंगे ताकि इसमें हमें पर्ल पिरोना है, और फिर ये यहाँ पे इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ऐसे बिल्कुल यहाँ पे, और इसमें अभी हम 2 मोती पिरोएंगे। अभी हमें दोनों पर्ल उलन में डालने के बाद ये वायर के साथ ये लूप से ऊपर आना है, और फिर पर्ल वाला जो पोर्शन है वो ओपन एंड का वो हमें यहाँ पे डाल के ऐसे खींचना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद ये वायर जो है पिरोने के लिए जो हमने यूज़ किया था वो हम खोलेंगे, तो यहाँ पे ये लॉक हुआ। अभी इसमें से एक पर्ल जो है यहाँ पे लेके आएंगे हम और यहाँ पे एक नॉट करेंगे, ये नॉट जो है आपको इस तरीके से ऐसे पुश करना है, तो ये पर्ल यहाँ पे लॉक हुआ। ऐसे ही नीचे की तरफ दोनों उलन के जो ओपन हैंड है उसके साथ हमें एक ही नॉट लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे रख के एक नॉट लगाएंगे, तो ये मोती जो है एंड में रहेगा। इस प्रकार ये एक साइड हमने धागा लगा लिया, वैसे ही हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने आसान और एकदम सिंपल तरीके के साथ मोती की राखी कैसे बनानी है ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। रक्षाबंधन में आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो अवेलेबल मोती है जिस साइज़ के है उस साइज़ में ये आप बना सकते हो। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपके साथ इसके आगे भी मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।